हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा एकेडमी। एंड हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप सबके लिए एक न्यू वर्ड लेके आ गई हूँ, जिसका मैं मीनिंग अब इंग्लिश में क्या होता है बताऊंगी। बट आज का न्यू ईयर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। और एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सब मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई या तो कमेंट बॉक्स में दूंगी या तो कोई स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन पेंडिंग में है तो मैं उसका भी आंसर दे रही हूँ और बहुत जल्द सारे का दे दूंगी। और चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो एक नेचुरल डिजास्टर का नाम है। तो नेचुरल डिजास्टर का मैं मीनिंग आप सबको इंग्लिश में बताऊंगी, साथ ही में जो है इसका इमेज भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है सुनामी। सुनामी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, सुनामी को इंग्लिश होता है सुनामी, एंड सुनामी का स्पेलिंग है TSUNAMI। सुनामी, टी यहाँ पे साइलेंट होता है, TSUNAMI सुनामी। आप सबको एक साथ लिखना है, ठीक है? टी सुनामी इस तरह से होता है, बट हम टी सुनामी नहीं, उसे सुनामी बोलते हैं क्योंकि टी यहाँ पे साइलेंट होता है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं नोट के साथ, तब तक के लिए बाय।